मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मैं अपने अगले वक्ता श्री आशीष कन्वे जी को इन पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। मुकाम उनका मेरे दरमियाँ आला है, मुकाम उनका मेरे दरमियाँ आला है, अदब नवाज है, लहजा जुबां आला है। सुनेंगे आप उन्हें खुद ही जान जाएंगे, सुनेंगे आप उन्हें खुद ही जान जाएंगे, जिन्हें बुलाना है उनका बयां ही आला है। स्वागत है आशीष। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर गोयनका, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ल जी, हम सबके बीच अत्यंत लोकप्रिय गज़लकार और जिनको सुनना हमेशा हम लोगों के लिए रोमांच का विषय होता है, ऐसे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, देश भर में व्यंग को शीर्ष तक पहुंचाने का निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं, निरंतर लिख रहे हैं, व्यंग इतिहास के लेखक भाई सुभाष चंद्र जी, टंडन जी, बब्बर साहब, शर्मा साहब, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में, उत्सव रूपी कार्यक्रम में, लोकार्पण बहुत सीरियस कार्यक्रम हम लोगों ने देखे हैं कई बार, लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम है अत्यंत उत्सव धर्मिता से भरा हुआ है। ऐसे उत्सव रूपी कार्यक्रम के आयोजन के लिए दोनों लेखकों भाई गिरीश चावला जी और परमिंदर शाह जी, और दोनों पुस्तकों के प्रकाशक KVS प्रकाशन के संजय जी, आप सबको मैं बहुत ही बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम में भावना जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, सबका नाम वो ठीक से याद रख पा रही हैं जब निरंतर लोग अंदर बाहर कर रहे हैं उसके बावजूद, तो ये एक बड़ी कठिन व्यवस्था होती है संचालन की, कि कार्यक्रम को बांधे रखे। मित्रों, शमी जी दरवाजा बंद कर दीजिए, अंदर वाले अंदर रह जाएं, बाहर वाले बाहर हो जाएं। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हर सभा की एक गरिमा होती है, हमें ऐसा ना लगे, हो सकता है कि मैं आपके काम की एक भी बात ना बोल पाऊँ, लेकिन कम से कम मुझे ये महसूस ना हो कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो किसी का ध्यान मेरी ओर नहीं था। अर्थात हम स्वयं को निरर्थक होने से बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आज दो लघु कथा संग्रह अर्श और क्षमा, इन दोनों का लोकार्पण हुआ। दोनों संग्रह में कुल मिलाकर 85 लघु कथाएं हैं। शमी भाई ने 43 लिखी हैं और उनके पीछे पीछे बैटिंग कर रहे हैं नॉट आउट 42 पे परमिंदर शाह जी। मैंने कुछ लघु कथाओं को, मुझे पुस्तक कल शाम को ही मिली तो उलट पलट के देखा, मेरे पास जो पुस्तक आई वो क्षमा थी, तो सबसे पहले मैंने पुस्तक को शुरू से अंत तक पलटा कि इसमें क्षमा नाम की लघु कथा कौन सी है, पर मुझे वो क्षमा नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि आखिर शम्मी उनको प्यार से कहते हैं गिरीश चावला जी, ने इस पुस्तक का नाम क्षमा क्यों रखा, तो बहुत सोचने के बाद मुझे ध्यान आया कि शम्मी जी शाम को एक NGO चलाते हैं जिसमें हर उम्र के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं निशुल्क, उसमें प्रौढ़ भी लोग हैं और बच्चे भी हैं, उस संस्था का नाम इन्होंने क्षमा रखा हुआ है, तो क्षमा इन पे इतना हावी था कि उन्होंने वही नाम इस लघु कथा संग्रह का भी रख दिया। इनके बारे में तो मैंने सोचा कि क्षमा क्यों हुआ ये, लेकिन अर्श क्यों हुआ ये अभी मैं एक घंटे से सोच रहा था, मुझे मिला नहीं। अर्श, इनके दिमाग में भी कोई प्लॉट रहा होगा,
कोई ना कोई ज़मीन उन्होंने अपने ज़िंदगी में ऐसी तैयार की होगी, कोई ख्वाब देखे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात रही होगी जिसके कारण इस संग्रह का नाम अर्श। वाजपेयी जी ने और शर्मा जी ने बड़ी सारी हिदायतें दी, और आज फेसबुक पर जब सुबह सुबह मैंने इस कार्ड को शेयर किया तो कुछ लोगों ने मुझे भी हिदायतें देनी शुरू कर दी। और चूँकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में कोई बात छुपती नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया में आप जाएंगे तो लोग आपको नींबू की तरह निचोड़ देंगे, आप में कुछ है तो टिकेंगे और नहीं है तो आपकी हाय हाय होने में 3 मिनट लगता है। ये उसका प्रभाव है कि वहाँ संपादक नहीं होता, हर व्यक्ति वहाँ संपादक है, हर व्यक्ति अपने आप को वहाँ ठीक समझता है, हर व्यक्ति अपने सोच को सबसे बेहतर समझता है, इसलिए सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो हम सब पे बढ़ चढ़ करके हावी होकर के रहता है। मैं लघु कथाओं के बारे में, चूँकि मैं लघु कथा का मर्मज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ पत्रिकाओं का संपादन करता हूँ, और संपादन के दृष्टिकोण से जो मैं लघु कथाएँ मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लघु कथा रिझाने की विधा नहीं है, लघु कथा सताने की विधा है। लघु कथा में आपको रिझाने की ज़रूरत नहीं है, जिसका इशारा उन्होंने किया था, ये सताने की विधा है। और दूसरी चीज़, कई लघु कथाएं मैंने कल रात में, क्षमा तो मैं लगभग पूरी पढ़ गया, गिरीश जी हमने क्या कहा, सब कुछ कह देना भी लघु कथा नहीं है। लघु कथा एक साथ बोलिए, लघु कथा और लघु कथा। तो मैं चाहूँगा कि इस पुस्तक में जो लघु कथाएं हैं वो लघु कथा और लघु कथा दो अलग अलग चीज़ हैं, कुछ लंबी लघु कथाएं भी हैं, पर जो भी लघु कथाएं हैं इन दोनों पुस्तकों में, उसमें जो सबसे खास बात है उसके विषय वस्तु हमारे साथ चहलकदमी करने वाले हैं, रोज़ हमारे आँखों के सामने गुजरने वाले विषय वस्तु आप लोगों ने चुना है, ये आपके सजग जीवंत और समाज से जुड़े होने का प्रतीक है। एक बार ताली तो बनती है। मैंने गिरीश जी की और इनकी तारीफ की, आपने ताली नहीं बजाई। मैंने इसलिए कहा कि जो व्यक्ति सामाजिक भावनाओं, सामाजिक चेतनाओं से जुड़ने के बाद स्वयं को चैतन्य कर लेता है वही साहित्यकार या साहित्यिक कृतियों के रचना के लिए आगे आ सकता है। जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा कि एक सड़क पे एक्सीडेंट होता है, कोई खून बह रहा है, हम और आप उसमें से कई लोग होते हैं जो देखकर निकल जाते हैं, लेकिन कई लोग उसमें से बहुत सारी चीज़ें उठा करके ले आते हैं, संजो लेते हैं। उसी चैतन्यता को जो लोग अपने जीवन में उतारते हैं, सीखते हैं और जीते हैं, वो कहीं ना कहीं रचनाओं के माध्यम से, रचनाकार के माध्यम से हम सबके सामने आते हैं। मित्रों, आज उत्सव का दिन है, विश्लेषण का दिन नहीं है। मैं परमिंदर शाह जी को, गिरीश चावला जी को, दोनों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि अपने अपने व्यापारिक क्षेत्र से, नोट के मोह माया से थोड़ा बाहर आकर ऐसे कामों में आपने अपना बहुमूल्य समय लगाया, जिसकी ओर इशारा पूर्व वक्ताओं ने भी किया कि आज इतने साहित्यकारों की ज़रूरत है, इतने सारे लोगों की ज़रूरत है समाज में सुधार करने के लिए, जो अभी पर्याप्त नहीं है समाज में। तो आपके इस प्रयास के लिए, गिरीश जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, गिरीश चावला जी और हम दोनों एक ही व्यापार करते हैं, थोड़ी सी पृष्ठभूमि आप सबको पता होना चाहिए। हम दोनों बेकार थे और उसके बाद दोनों कार बेचने लगे। हम लोग पिछले 22 वर्षों से कार बेचते हैं। इनके पिताजी आदरणीय गुलशन चावला जी हमारे ट्रेड के एक समय के किंग हैं, उन्होंने दिल्ली में व्यापार, कार के खरीदने बेचने के व्यापार को स्थापित किया है। आज दिल्ली शहर के जितने बड़े कार व्यवसायी हैं लगभग सभी उनके शिष्य हैं, ये मैं इस मंच से पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ। गुलशन जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, गुलशन जी अभी तो मैंने देखा था बैठे थे, और गुलशन जी के बारे में भी मैं ज़रूर दो पंक्तियाँ, चार पंक्तियाँ कहना चाहूँगा।
गुलशन जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैंने देखा कि 60-62 की आयु होने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने व्यापारिक कार्यों से अपने आप को मुक्त कर दिया है और अब मैं रिटायर्ड हूँ, टायर्ड नहीं हूँ, रिटायर्ड हूँ। और उसके बाद रोज सुबह, हमें ये पता ही नहीं था कि हम लोगों के अंदर इतना सारा ज्ञान होता है, उन्होंने मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाना शुरू किया शालीमार बाग पीतमपुरा क्षेत्र में। वैद्य जी के नाम से आज गुलशन चावला प्रसिद्ध हैं और हजारों लोगों के रोग को उन्होंने ठीक किया है निःशुल्क, निःशुल्क। मैं चाहता हूं कि गुलशन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। पिता समाज के स्वास्थ्य को ठीक करने में लगे हैं और पुत्र समाज की मानसिकता को ठीक करने में लगे हैं। ऐसे साहित्यिक परिवार को, ऐसे विलक्षण गुणों से भरपूर दोनों पिता पुत्रों का इस मंच के माध्यम से मैं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी लेखनी में उत्तरोत्तर, जैसे मैं आया था मुझे कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे हम भी सीख गए, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी धीरे धीरे बहुत ऊपर आएंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।